आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग व्हील रोटेट्स फॉर सम टाइम आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ, बट एन इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन स्टॉप्स आफ्टर फ्यू सेकंड्स ऑफ टर्निंग ऑफ द पावर व्हाई। ओके, तो जो ग्राइंडिंग व्हील है पूछ रहा है कि अगर पावर टर्न ऑफ किए तो ग्राइंडिंग व्हील थोड़ा देर रोटेट करता है, लेकिन जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसका जो सिलेंडर होता है छोटा सा वो आगे वाला, वो रोटेट ज़्यादा देर तक नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। तो देखो, अगर मेरे पास कोई मास है, पहले तो फोर्सेस के टर्म्स में जो काइनेमेटिक्स होता है, रोटेशन नहीं, पहले तो सीधा फोर्सेस में डिस्कस करते हैं। एक बड़ा मास है एम और एक छोटा मास है, ये दोनों अगर मूव कर रहे हैं, किसी सेम एक्सेलरेशन ए के साथ, और इन दोनों को स्टॉप करवाना है, तो ये तो ऑब्वियस है कि बड़ा वाला मास है उस पर बहुत ज़्यादा वाला फोर्स लगाना पड़ेगा एफ, वही छोटा वाला मास पे छोटा फोर्स लगाना पड़ेगा एफ। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा मास है उसका मास अगर इस ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा इनर्शिया पोजेस करता है, और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है जिस स्टेट में है उसको अपोजिट होने नहीं देना है, मतलब ये मूव हो रहा है तो ये मूव ही होना चाहिएगा, ये अगर मूव होना हो रहा है तो ये भी मूव ही होना चाहिएगा, पर इसका टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इस पर अगर कोई लगा रहा है फोर्स इसे मूव करवाने के लिए, मान लो ये रेस्ट पे है, तो अगर फोर्स लगा रहा है कोई तो ये मूव नहीं करना चाहेगा, इसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा कि वो उसी स्टेट में रहे। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, ये फोर्स के टर्म्स में हो गया। अब देखो, ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, मानो ग्राइंडिंग व्हील कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये जो ड्रिलिंग मशीन होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है। ओके, ये ड्रिलिंग मशीन कुछ तो ऐसा होता है। अब ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ये तो हेवी होता है और उसका रेडियस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, इस कंपेयर टू दिस, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, ये बहुत ज़्यादा होगा। ओके, और इसका जो होगा मान लो आई ड्रिल मानो, और ये क्या है, आई व्हील मानो, ग्राइंडिंग व्हील। ओके, तो आई ड्रिल जो होगा वो व्हील से बहुत कम होगा, तो जब इसे रोटेशन में सेट करेंगे तो ये रोटेशन में दोनों रहना चाहेंगे, पर इसका जो टेंडेंसी होगा रोटेशन में रहने का ये बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी स्टेट में रहने का जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया बेसिकली होता है उसी स्टेट में रहना चाह रहा है, ये सिर्फ रोटेट होना चाह रहा है, अगर रोटेशन में है तो रोटेट ही होना चाहिएगा, तो इसे इसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं करवाना चाहता है, अगर ये जीरो नहीं है। ओके, अगर ये रोटेट कर रहा है तो वो जीरो नहीं बनना चाहता, तो सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा, पर इसमें कम टेंडेंसी होगी। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कम है, तो बेसिकली यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक घूमेगा और इसका टेंडेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगा। तो यही आंसर होगा इसका, क्योंकि इनर्शिया के कारण, इसका इनर्शिया ज़्यादा है इसलिए वो बहुत देर तक घूमता रहेगा, इसका इनर्शिया कम है इसलिए वो जल्दी से इसमें आ जाएगा, हॉल्ट पे आ जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।